आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे मिलिट्री में मैंने 2 किल किया, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मिलिट्री में फाइट होने के बाद स्टार्ट हुआ, तो टेंशन नहीं लेने का, 2 किल मैंने बोलकर ही आप लोग को दिखा दिया। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए गेम प्ले वीडियो में, और ये गेम प्ले सीजन 14 का है। ओके, सीजन 14 विथ चिकन डिनर। चिकन डिनर भी करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे जैसे हम लोग मिलिट्री जैसे खाली किए ना, तो फिर सोचे नोवो चलते हैं। नोवो जाने के बाद इधर स्क्वाड मेरे को मिली गई। यहाँ पे एक बंदा टीपी ले रहा था, और यहाँ पे मैं रस दिया, और यहाँ पे वो भी फायर दिया, मैं भी फायर दिया, फिर फायर दिया, फिर बच के निकला वो। और इसके बाद वो बंदे को किसी और ने मारा, फिर दूसरे बंदे को मैंने मार दिया। यहाँ की साला 2 नंबर किल चुरा लेता, तब तक ही मैंने उसे मार दिया। अब जैसे मैंने नोवो क्लियर किया, फिर से मिलिट्री वाले ब्रिज पे हम लोग आगे। पता नहीं यार, ये रैंडम बंदा था, इधर ही आ रहा है, इधर ही से आ गया, वरना नोवो के ब्रिज से ही निकल जाता। अब मिलिट्री वाले ब्रिज पे आने के बाद ने चेक पोस्ट भगता हुआ दिखा, उसको ही मैंने धो दिया। फिर ब्रिज के आगे जाने के बाद वो लोग एनमीज एड करते हैं, वो नंबर टू पता नहीं किसी और तबाही में गाड़ी चला रहा था। देखो बंदे उधर है, भाग रहा इधर। तो मैं सोचा रस करता हूँ उस टीपीपी वाले बंदे पे। दरअसल वो टीपीपी नहीं कर रहा था, वो प्रोन था। तो मैंने इसके ऊपर कार चढ़ाई, लेकिन वो मरा ही नहीं। अब मुझे कोई बताओ ये कैसे नहीं मरा। अब मैंने इस पे रस किया। अब ये बंदा दरअसल 2 साइड से फंसा हुआ था, पीछे से भी इसको झटके लग रहे थे गोली के, और दूसरी साइड मैं था। अब ये बेचारा फंसा हुआ कि करूँ तो करूँ क्या। तो ये सोचा अब इसको तो मारना पड़ेगा, लेकिन ये मुझे मारने आया, लेकिन बेचारा ठोक गए बेचारे। उसके बाद फिर से मैं गाड़ी लिया और अपने टीममेट्स के पास गया, और ये लोग का गाड़ी मतलब फूट चुका था, पेट्रोल ख़त्म था, तो ये लोग पत्थर पे कवर ले रहे थे। तो मैं इन्हें गाड़ी से उठा लिया ये लोग को। और उसके बाद वो जहाँ एनमी जेड देख रहे ना, उधर ही बंदे थे। तो मैं सोचा इधर लेफ्ट में रोकते हैं, थोड़ा टीवीपी सीपीपी लेते हैं, बंदों को स्पॉट करते हैं, फिर मारते हैं। ये एक बंदा बोला ओपन में खड़ा है, तो मैंने ऐसा देखा और स्प्रे दिया। सॉरी, स्प्रे नहीं दिया, गाड़ी लिया। और उसके बाद देखने गया कि बंदे हैं भी या नहीं। मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था ये लोग पे, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। तो जैसे आया देखा, अरे भाई भाई भाई, भागो 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 यहाँ अरे से वहां पे भाई, कितना वरना बैठा है। अपना डब्बा बन जाएगा। अरे मेरे सामने बताओ, पहले सामने बताओ कैसे पहले लगाए मेरे बताओ सामने यार, बताओ। मैं ठुक जाऊंगा यार, मेरा कंटेंट बर्बाद हो अरे जाएगा खा तुमको जाएगा बचाने मेरे के पे, चक्कर में। अरे रुक जाओ, अब स्मोक भी नहीं था मेरे पास। पूरा खाएगा, पूरा खाएगा। अब सॉरी ब्रो, बेचारे को नहीं अरे बचा यार, सकता एक ना, 2 नंबर कवर ओपन में नहीं नॉक हो दिया गया हो। तुमने। और 2 नंबर ही पता नहीं उसको कवर फायर भी नहीं दिया। और यहाँ पे M4 का 6x स्प्रे पड़ता हुए एनिमी के खोपड़े के ऊपर। और उसके बाद आराम हम लोग जैसे गाड़ी लिए फिर मजे से से, गेट पे घुस और जाओ, रस घुस कर जाओ, दिए कि जो चलो नॉक एक होंगे बंदा उसमें। नॉक है। तब एक हमारी ट्रक के पास किस्मत तो देखो, नॉक किया था पेट्रोल ही मैंने, ये खत्म देखो हो गई तुमने। बीच रास्ते में। वाह, मैं तो सोचा गया भाई अब तो। लेकिन ये लोग टीपीपी लेके दोनों भाई पता नहीं एक साथ मुंडी निकाल के स्प्रे दे रहे, देख रहे हो। ना 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 मुन्ना ना, ऐसा थोड़ी होता। फिर मैं सोचा ये लोग को लेफ्ट से मारते थे। एक बंदा मेरे को अंदर दिखा, तो रुक जा, इसको तो आराम से मारेंगे। लेकिन वो दूसरे बंदे ने मेरा किल ले लिया, बहुत खराब खराब लगा। क्रेट भी पता नहीं इसका किधर चला गया। और यहाँ पे एक और जनाब थे, इनको भी मैंने पीछे लूट देख का रहा था, दिया, शायद ये बॉट था। उसके बाद यहाँ पे मतलब जितने बंदे यहाँ टीवीपी ले रहे थे ना, टीवीपी सीपीपी लेकर रिवाइव हाँ सिवाइव ये दे रहे देख थे, सारे बंदे ठुक चुके थे। अब इसका बचा था एक लास्ट बंदा, ये देखो एक बंदा इधर ही लेटा हुआ था, इसको नंबर 2 ने संभाल लिया। और एक जो लास्ट बंदा था वो बगी के नीचे लेटा हुआ था, ढंग से दिखा नहीं मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने स्प्रे दिया और गड्डी फोड़ दी उसकी। फिर मैंने थोड़ी डीपी की स्प्रे चलाई, क्या पता एक दो गोली लग जाए, फिर मर मुर आ जाए, लेकिन बच गया। फिर मैंने नेट फेंका, देखो अब क्योंकि अरे मैं दो तो नंबर ओपन में वैसे हूँ, फेंक लेकिन दिया। स्मोक का कवर है मेरे पास, तो वो बंदा मेरे को नहीं देख सकता। अब जैसे मैंने 2 नेट फेंक चुका था, ठीक है। अब देखो वो बंदा ठुक चुका है, वो नेट फेंक रहा है। अब एक दूसरी गाड़ी है, मैंने पूरा स्प्रे मारा, एक भी गोली नहीं, एक गोली लगी फिर वो बच गया। मेरी आदत है ना एम में एम असिस्ट थोड़ा ऑफ करके खेलने का, तो हो सकता है एम असिस्ट का आदत हो ज़्यादा, तो मैंने एम असिस्ट ऑन करना भूल गया। कोई बात नहीं, मैंने बाद लौट में आया। वही बंदे थे।
और फिर ये पता नहीं ये पेट्रोल पंप पे कैंप कर रहा था। अब यहाँ पे 9 किल्स करने के बाद अब लेंगे बचे हैं सिर्फ दस छोटे से बंदे, पिस्टल ओनली लेके टेन चला अलाइव। आया गया। अब मुझे और किल चाहिए था। और ये देखो जनाब, अरे अरे भैया भैया आराम से, अरे 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 अरे, ओ हो, इस बेचारे के साथ इतना गंदा स्कैम हुआ। ये गाड़ी बगी लेकर आया और पेड़ में ही ठोक दिया। अगर वो नहीं ठोकता तो शायद चांस था 50-50 बचने का। वैसे वो नहीं बच सकता था क्योंकि आप लोगों को पता ही मैं कितना खतरनाक स्प्रे देता हूँ। हाँ ये अब जैसे हम लोग फेरी पियर पे आए, क्योंकि पूरा मैंने वहाँ पे घुमा दिया था, एक भी बंदा नहीं देखा। उस फेरी पियर में ये लोग होल्ड कर रहे थे, कैंपिंग होल्डिंग जो भी आप लोग बोलो। अब यहाँ पे एक बंदे को नेट से मैंने ठोका और फिर मैं उधर घर साइड जाने की कोशिश कर रहा था, तब तक ये ब्रोकन वॉल पे टीपीपी सीपीपी चल रहा था भाई, ध्यान ही नहीं दिया मैं तो। और फिर एक और लास्ट बंदा भी टोक गया और फिर हम लोग आते हैं ये नोवो के ब्रिज के ऊपर, सॉरी मिलिट्री के ब्रिज के ऊपर। अभी ये बंदा देखो कहाँ लेटा है। मतलब क्या भाई क्या चल रहा है ये। अब एक लास्ट बंदा था गाइस। अब देखो मेरा रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप हो गया क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूँ। मैंने चिकन डिनर किया है, झूठ नहीं बोल रहा। ओके तो सब कोई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।